फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है UNFCCC COP26 NSG रियो समिट 1992 कार्बन नेट जीरो 2050 कार्बन सिंक। बड़े सारे टॉपिक्स हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, UNFCCC के द्वारा जो सम्मेलन बुलाया जाता है जिसे COP कहते हैं, ये अभी जो COP26 जो स्कॉटलैंड में हुआ, इसके बारे में समझते हैं और नेट जीरो कार्बन इमिशन के बारे में क्या है इसको समझते हैं। देखिए, पृथ्वी का टेम्परेचर हमेशा बढ़ते जा रहा था जिससे क्लाइमेट चेंज का खतरा हो रहा था, इसलिए 1992 में इस पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। अब इसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। 1992 इसका मुख्य उद्देश्य था, इसने एक एजेंडा 21 पारित किया। एजेंडा 21 क्या है? देखिए, ये 1992 में हुआ। अब 1992 में इसको टर्म्स को समझिए। जब कभी हम कोई सन लिखते हैं, जैसे 1992 लिख रहे हैं, तो ये पहला जो दो अक्षर है ये इस सदी को बताता है, जो शताब्दी या जो सेंचुरी बीत चुकी है। तो 19 लिखा है तो 19 सदी बीत चुकी है, और ये है एक उसके आगे है, यानी 20वीं सदी चल रही है। और 20वीं सदी में भी देखिएगा तो ये 8 साल ही बचा हुआ है, यानी 8 साल बाद कौन सी सदी आ जाएगी, 21वीं सदी। जैसे अभी हम लिखते हैं, मान के चलिए 2008 लिखते हैं, तो ये वह सदी है जो बीत चुकी है, यानी 20 सदी बीत चुकी है और उसके आगे भी है, यानी एक और आगे, तो 21वीं सदी। तो इन्होंने देखा कि 1992 में हम लोग 19वीं सदी बीत जी चुके, 20वीं सदी में बस 8 साल बचा हुआ है, यानी कौन सी सदी आने वाली थी, तो 21वीं सदी आने वाली थी। तो 21वीं सदी को बचाने के लिए इन्होंने एजेंडा 21 पारित किया था और कहा था कि पृथ्वी को बचाना हर हाल में जरूरी है, क्लाइमेट चेंज से दिक्कत हो जाएगा। तो इसकी जिम्मेदारी इस सम्मेलन में दे दिया गया UNFCCC को। UNFCCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी की पूरी जिम्मेदारी दे गई कि भैया तुम्हारे ही काम है कि पर्यावरण का ध्यान रखना। अब इसमें क्या है कि उस UNFCCC में 193 मेंबर देश बने सब। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पृथ्वी के टेम्परेचर को हम 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, उससे कम ही रखना है। इसमें हर साल बैठक बुलाई जाने लगी, तो ये बैठक बुलाना जरूरी था ताकि इस बात के गहन चिंता और चिंतन किया जा सके कि कितना काम हुआ है। तो इसके सम्मेलन को ही COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज मतलब कौन कौन देश इसमें शामिल है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को ही शॉर्टकट में COP कहते हैं। ये सम्मेलन 1992 से नहीं हुआ, हालांकि UNFCCC का गठन 1992 में हो गया, लेकिन इसका पहला बैठक बुलाया गया था 1995 में। तो जब भी बैठक बुलाया जाएगा तो हर एक पार्टी यानी देश के मेंबर का बुलाया जाएगा, तो कॉन्फ्रेंस होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसे COP कहते हैं। अभी जो हुआ, तो पहला जो COP बुलाया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो 1995 में जर्मनी में बुलाया गया। अब उसी के बाद टेंटिवली हर साल बुलाया जाता है, तो जो इस साल बुलाया गया है 2021 में, ये स्कॉटलैंड में बुलाया गया है। तो देखिएगा, उस हिसाब से सीक्वेंस देखेंगे तो ये 26वां बैठक था, इसलिए इसे COP 26 कहते हैं। अगला जब होगा तो उसे COP 27 कहेंगे। तो COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब एग्जाम में आएगा तो आप ये मत सोच लीजिएगा ये किसका हिस्सा है, UNFCCC का ही एक पार्ट है। ये एक मीटिंग होती है UNFCCC की ओर से कराया जाता है। अब इसमें क्या था खास बात, तो देखिए, इस बार यह बैठक स्कॉटलैंड में बुलाई गई थी। स्कॉटलैंड के बारे में पहले समझिए, ये नीचे जो देश ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, तो ये इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, जब इन तीनों चीजों को मिला देते हैं तो उसे ब्रिटेन कहते हैं। यही ब्रिटेन वाले भारत पर शासन किए थे, तो तीनों को मिला देने से बनता है ब्रिटेन। अगर आप इस ब्रिटेन में आयरलैंड का ऊपर का भाग, उत्तरी आयरलैंड भी मिला देते हैं, तो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, जिसे शॉर्टकट में UK कहते हैं। तो हमारे ऊपर UK वालों ने शासन नहीं किया, हमारे ऊपर ब्रिटेन वालों ने किया। तो ब्रिटेन में भी तीन आएगा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ऐसे भी देखें, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आए थे, आगमन हुआ था यहाँ से। तो ये स्कॉटलैंड जो है वो ब्रिटेन का हिस्सा है। तो स्कॉटलैंड में इस बार सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में तुर्की भाग नहीं लिया, चीन ने नहीं लिया, रूस ने भी भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य, जो आकर्षक पॉइंट था, वो था नेट जीरो कार्बन इमिशन 2050 तक। 2050 तक कार्बन का नेट जीरो कर देना है। अब इस सम्मेलन COP 26 जो हुआ, यानी 26वीं बैठक, पहली तो 95 में हुई थी 1995 में, 26वीं 2021 में हो रही है। तो इसमें मुख्य उद्देश्य, इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को 2050 तक नेट जीरो करना है। नेट जीरो मतलब जितना कार्बन का हम उत्सर्जन करेंगे उतना ही कार्बन को हम सोख लेंगे।
जैसे हम मान के चलिए 100 रुपया कमाए तो 100 रुपया खर्चा कर दिए, इसको कहते हैं नेट जीरो हो गया, मतलब जितना आया उतना चला गया। तो हम ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ही नहीं कर सकते, गाड़ियां चलेंगी तो धुएं निकलेंगे, किसी भी चीज को जलाइएगा तो उसमें 99% है कि आपको उसमें क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और आधा जलाइएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को तो रोक ही नहीं सकते, बट इतना है कि एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इन्होंने 2050 का डेट दिया, लेकिन रूस और चाइना कहा कि भाई हम 2060 तक ही हम इसको कर पाएंगे। भारत ने कहा कि भैया हम 2070 तक कर पाएंगे। तो भारत नेट जीरो जो है वो 2070 तक कर पाएगा, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा कार्बन की इमिशन को कम करेंगे तो फैक्ट्रीज वगैरह को बंद करनी पड़ेगी। अब कई देश ऐसे हैं जो कार्बन सिंक को कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इतना ना सोख लेते हैं जिसका कोई हद नहीं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की सबसे ज्यादा क्षमता समुद्र में थी, बट ये लोगों ने अब तक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ था उसके बाद इतना ना कार्बन डाइऑक्साइड को सोखा है, इतना CO2 को सोखा है कि अब इनकी क्षमता खत्म हो चुकी है। अब महासागरों ने जवाब दे दिया, तो एक ही रास्ते बनते हैं जंगल, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन दे देते हैं। तो जहां जंगल ज्यादा है उन्हें कार्बन सिंक कहा जाता है। ब्राजील के जंगलों को कार्बन सिंक, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक माना जाता है, उन्हें पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन अकेले ब्राजील के जंगलों से आ जाता है, इसलिए उसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। हालांकि कई ऐसे भी देश हैं जहां पर कार्बन का उत्सर्जन बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि उन्हें हम लोग मतलब कार्बन सिंक में रखते हैं। जैसे दो देश आते हैं इसमें सबसे प्रमुख, एक यहां आता है दक्षिणी अमेरिका के देश सूरीनाम, ये सूरीनाम में कार्बन सिंक बहुत ज्यादा है, यहां पे कार्बन का उत्सर्जन एकदम नेट जीरो अभी हो चुके हैं, ये लोग नेट जीरो हो चुके हैं। और यहाँ भारत का पड़ोसी राज्य भूटान की बात करेंगे तो ये नेट जीरो तो है ही है, ये कार्बन निगेटिव है, यानी इसके पास कार्बन जितना उत्सर्जित होता है उससे ज्यादा ही उसको सोख लेता है। और अगल बगल भारत से भी जो CO2 उड़ के जाता है, चाइना से जाता है, नेपाल से जाता है, उसको भी ये सोख लेता है। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में सबसे बेहतर देश है भूटान। देखिए, CO2 का सबसे ज्यादा अगर उत्पादन का देखेंगे, उत्सर्जन कौन करता है, तो वो अमेरिका करता है, 27% CO2 वो निकालता है। रीजन क्या, वहां पे फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है, जितनी फैक्ट्री चलेंगे उसमें से धुआं निकलेगा, CO2 का उत्सर्जन ज्यादा होगा। डोनाल्ड ट्रंप तो कहते कि हम इस CO2 को मतलब कॉप सम्मेलन से ही बाहर आ जाएंगे। तो जो बाइडेन बहुत अच्छा है जो इस मैटर पे आया है। चाइना जो है वो 14% सेकेंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे भारत आता है 7% पे। देखिए, CO2 का उत्सर्जन दुनिया में जितने विकसित देश थे जो पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था ब्रिटेन वगैरह में, तो उन्होंने CO2 का उत्पादन किया, और जो बेचारे गरीब देश है उनके पास CO2 का उत्सर्जन ही नहीं हुआ। अब उन पे नियम लगाइए कि आप उत्सर्जन मत कीजिए, तो वो कहते हैं कि भैया तुमने पूरी फैक्ट्री लगाई, तुम इतने अमीर हो गए, तुमने पूरे पृथ्वी को चौपट किया, हम तो कुछ किए ही नहीं, अब हमारे पे नियम क्यों थोपते हो। एक काम करो, तो सोलर प्लेट से बिजली कैसे बनती है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, या फिर हमारी मदद करो। तो अमीर देश इस टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर नहीं करते, अब कहते हैं हमसे खरीदो, तो कहता है हमको कौन सी खरीदना है, तो पृथ्वी को हम चौपट होने देते हैं। तो इसके लिए एक अलग से बजट अलॉट किया जाएगा, जिससे कि गरीब देशों को टेक्नोलॉजी खरीदने में या ट्रांसफर करने में सहायता मिल सके। अब हम ये जितना भी CO2 वगैरह का समस्या है ये विकसित देशों की ही अपनी समस्या है। अब भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था सारे देशों की ओर से कि नहीं आप भी 2050 तक कार्बन मतलब नेट जीरो कीजिए, तो भारत कहां से नेट जीरो कर देगा, हमें अपनी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ेगी। अब भारत के ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा था कि आप कोयले का उत्पादन कम कीजिए। अब आप ही देखिए, कोयले की कमी पड़ी थी भारत में, तो ऑस्ट्रेलिया से खरीद के आया, हर चीज महंगी हो गई, बिजली महंगा हो गया, जितनी फैक्ट्रीज के प्रोडक्ट थे सब महंगे हो गए थे। तो अगर हम CO2 का उत्सर्जन कम कर देंगे तो हमारी फैक्ट्रीज भी शट डाउन होगी। एक्चुअली यही कोयला को जलाने से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, बट फैक्ट्रीज भी तो चलती, भारत के सामने बड़ी समस्या आती है। इसमें भारत ने बहुत ही बेहतरीन रणनीति चला, भारत ने कहा कि ठीक है चलो, अगर आप चाहते हैं कि हम CO2 कम उत्सर्जित करें तो हमको यूरेनियम आप उपलब्ध करा दीजिए। अब यूरेनियम देखिए, भारत यूरेनियम भारत में होता नहीं है, ना बराबर होता है, जादूगोड़ा की खान झारखंड की है, बट उसमें अच्छा यूरेनियम नहीं मिलता है। यूरेनियम से हम परमाणु बिजली बना सकते हैं, और परमाणु बिजली जो होता है प्रदूषण नहीं फैलाता है, ना बराबर प्रदूषण फैलाता है, और ये परमाणु बिजली घर बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली उपलब्ध करा देता है। लेकिन हमको यूरेनियम चाहिए, यूरेनियम हमें मिल नहीं पाता है, क्योंकि नियम है कि यूरेनियम उन्हीं को इजीली मिलेगा जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG के सदस्य है। अब NSG की स्थापना 1974 में हुई थी, वर्तमान में इसमें 48 देश है, 48 देश, भारत उसमें शामिल नहीं है। जो इसमें शामिल नहीं उसे यूरेनियम इजीली मिल नहीं पाता है, हम लोग को इंडिविजुअली लेना पड़ता है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, कजाकिस्तान से, बड़ा टाइम लगता है, काफी महंगे मिलते हैं। तो भारत ने बहुत अच्छा दाव खेल दिया कि भैया एक काम करो, अगर हम चाहते हो कि हम कार्बन का कम उत्सर्जन करें, पृथ्वी को बचाना चाहते हो, तो तुम थोड़ा सा ईगो छोड़ो, NSG में हमें शामिल कर दो। अब चाइना इसका विरोध कर देता है, चाइना कहता है कि हम NSG में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर NSG में शामिल कर दिया जाएगा भारत को, तो भारत
विदेशों से तो यूरेनियम खरीद के उसे बिजली घर में डाल देगा, और जो भारत का खुद का यूरेनियम है उसे हम परमाणु बम में डाल सकते हैं। अभी क्या है, हमारे पास यूरेनियम ही नहीं, तो थोड़ा सा यूरेनियम परमाणु बम के लिए डालते हैं, थोड़ा सा यूरेनियम हम डालते हैं बिजली घर के लिए। लेकिन जिस दिन एनर्जी के सदस्य बन जाएंगे उस दिन तो हम लोगों को आराम से बाहर से यूरेनियम मिल जाएगा, और भारत में इतना अवेलेबल है कि हम परमाणु बम की पूर्ति कर सकते हैं। अब भारत के ऊपर लो दबाव बनाओ, तो भारत ने साफ कर दिया कि दुनिया हमें एनर्जी का सदस्य बनाए, हम 2050 तक कार्बन फ्री मतलब नेट जीरो पे हम आ जाएंगे। अब चाइना इस पे अड़ंगा लगाता है, चाइना कहता है नहीं पहले भारत एनपीटी पर साइन करे। एनपीटी का मतलब होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब हम कभी भी अपनी परमाणु को मतलब परमाणु टेक्नोलॉजी को दूसरे को साझा नहीं करेंगे, और ना ही हम परमाणु बम को रखेंगे। परमाणु बम हम नहीं बनाएंगे बल्कि हम परमाणु ऊर्जा को रखेंगे। तो ये नियम बनाया गया था 1968 में, भारत इस पर साइन नहीं किया क्योंकि भारत ने परमाणु बम बना लिया। एक्चुअली ये भेदभाव वाली संधि थी, इसमें कहा गया था कि 5 देश परमाणु बम रख सकते हैं, अमेरिका रख सकता है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना रख सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं रख सकता है। तो भारत ने इस पर साइन नहीं किया। तो चाइना इतना होशियार है, वो कहता है कि ठीक है, अब समझिए चाइना कहता है कि हम भारत को एनएसजी का सदस्य बनाने के लिए सहमत है, लेकिन भारत एनपीटी पर साइन करे तो भैया हम फंस जाएंगे ना, बिजली के चक्कर में परमाणु बम चल जाएगा हमला, तो हम लोग इस पे साइन नहीं करते। अब आप कहेंगे कि 148 में अकेले चाइना अड़ंगा कैसे लगा देता है, तो एनएसजी का रूल ही उठपटांग है। उसमें कहा गया कि किसी भी नए सदस्य की एंट्री से पहले 48 सदस्य की यानी पहले से उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति जरूरी है। तो भाई सर्वसहमति में एक ही अड़ंगा आता है चाइना, तो चाइना कह रहा है कि आप एनपीटी पर साइन कीजिए तभी हम आपको एंट्री करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। तो भाई सारे देश रेडी हैं, चाइना नहीं है, तो चाइना कहता ठीक है तो एक शर्त पे हम करेंगे, अगर चाइना होगा तो पाकिस्तान भी हो जाएगा। अब यहाँ चाइना फंस गया क्योंकि भारत तो रेडी हो जाएगा, ठीक है हमको कर रहे हो तो पाकिस्तान को भी कर लो, लेकिन पाकिस्तान पे केवल चाइना ना रेडी होगा, बाकी के देश 48 जो देश है उसमें से अमेरिका भी है, फ्रांस भी है। अभी फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान वाले बाहर निकालेंगे, अरे उसका राजदूत तुम्हारे यहाँ है नहीं, वहाँ जो कार्टून बनाया था मर चुका है लेकिन अभी भी हो रहा है, तो फ्रांस इनको रोक लगा देगा। तो भारत के लिए तो सही है, भारत के लिए हाँ पाकिस्तान को भी लाइए कोई दिक्कत है, आपका मन आप तालिबान को भी ला दीजिए, तो बाकी के बचे देश तो उसको रोक देंगे ना। तो भारत के लिए बहुत सही है, भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन हम सबको सोचना चाहिए कि हम अपने स्वार्थ के चक्कर में पृथ्वी को ना चौपट कर दे। इसलिए हम सबको इसके लिए भारत को तो एनएसजी का सदस्य बनना ही चाहिए क्योंकि हमारी छवि अच्छी रही है, हमने कभी किसी को परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी साझा नहीं किया। तो हम लोग इस पर अभी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, बहुत जल्दी हम लोग एनएसजी के सदस्य बन जाएगा। तो चाइना जो दबाव बना रहा था उल्टा भारी पड़ गया उसके ऊपर, उसको समझ में नहीं आ रहा कि भारत में मतलब पंगा लेना ठीक बात नहीं है। अब एक एग्जाम के एस्पेक्ट से क्वेश्चन जरूरी है, याद रखिएगा हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन कहते हैं, फ्यूचर का ईंधन, जबकि यूरेनियम को हम आशा का ईंधन कहते हैं। हालांकि ये धातु है तो इसे आशा का धातु भी कह सकते हैं, ये पीले रंग का होता है इसलिए इसे येलो केक के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है यूरेनियम, इससे महंगा दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोहिनूर हीरा मतलब क्या होता है। अब टाइटेनियम होता है, इसे भविष्य का धातु कहते हैं। अब भविष्य का धातु और टाइटेनियम का प्रयोग मिसाइलों में करते हैं, मिसाइल की बाहरी परत टाइटेनियम की बनी होती है, इसलिए इसे स्ट्रेटेजी यानी युद्धक सेना के काम में आने वाला स्ट्रेटेजिक धातु या भविष्य का धातु कहते हैं, जबकि भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं, आशा का ईंधन या आशा का धातु हम लोग यूरेनियम को कहते हैं। आई होप आप UNFCCC और COP सम्मेलन समझ गए होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। तो फ्रेंड्स इंडिया ने तो वैसे बहुत अच्छा किया है, ये इसी टॉपिक में एक वीडियो पहले भी की हुई है मुझे याद है, तो मैं तो उस टाइम भी यही बोल रही थी कि बहुत अच्छा किया है कि भाई हम तो ऐसी ट्रीटी नहीं साइन करेंगे जिसमें भैया 5 देश अलाउड है बाकी नहीं करेंगे, इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन हो, करनी है रिस्ट्रिक्शन सबके साथ होनी चाहिए नहीं तो नहीं होनी चाहिए। और जो रीजनिंग दी है कि भाई अगर आप चाहते हो कि हम कोल को यूज करना बंद कर दें या बहुत कम कर दें तो आप यूरेनियम हमारे साथ हमको देने के लिए हमें उसमें शामिल करो एनएसजी में और फिर सब ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, चाइना जो अड़ंगे डालता है वो तो हमेशा ही डालता है, पर मैं तो ये कहती हूँ ऐसी कोई बनी नहीं होनी चाहिए एसोसिएशन या कुछ को जिसमें बोले कि एक भी ना बोले तो भैया सब बिल्कुल बंद, वो होएगा ही नहीं। और अगर ऐसा कुछ बनाना है तो उसमें चाइना को तो कभी मत लो क्योंकि जहां देखो वहां चाइना ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो लॉजिकली नहीं सोचता, वो बस दुश्मनी में देखता है कि बस इंडिया को रोकना है रोकना है। तो देखते हैं अब आगे क्या करते हैं, फंसा तो है चाइना कि इस टाइप से बोलकर कि भैया पाकिस्तान को अगर आप करते हो तो फिर ठीक है, तो अगर इंडिया बोल दे हाँ कर लो पाकिस्तान को साथ में तो इंडिया का तो काम हो गया, तो ना बोलने का कोई चाइना को पास रीजन रहेगा ही नहीं, तो कमाल है। इंडिया को देखना पड़ेगा, अगर यूरेनियम नहीं है तो बच्चों ने पढ़ते थे कि इंडिया के पास थोरियम है, इंडिया के पास शायद प्लूटोनियम भी है, तो मेरे ख्याल से हमें अपनी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी कि यूरेनियम पे ज्यादा ना डिपेंड हो, थोरियम को यूज करें, प्लूटोनियम यूज करें,
कोई और रेडियो एक्टिव केमिकल का यूज करें इंस्टेड की यूरेनियम के पीछे जाएं। तो पहली बात तो ये थी। और दूसरी बात यह है कि एनपीटी जो है उसमें उन्होंने ये कहा था कि जिन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो लोग कोशिश करेंगे खत्म करने की, मगर जो दूसरे नए लोग हैं जिनके पास नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स वो नहीं बनाएंगे। सो एक्चुअली ये था, वो कह रहे थे भाई हम लोगों के पास तो है, हम तो अपने खत्म कर रहे हैं और नया बंदा कोई नहीं बनाएगा, उसे पूरी अर्थ में नहीं हो न्यूक्लियर वेपन्स। मगर वो क्या हुआ नहीं, वो लोग जो बोल रहे थे हम पूरे खत्म करेंगे खत्म, चाइना तो बनाता जा रहा है, तो इसलिए वहां पे वो नहीं हुआ। और उनकी जो चाल थी कि और कोई नहीं करेगा उसमें से, ऑब्वियसली इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और मेरे ख्याल से साउथ सूडान, ऐसा कोई अफ्रीकन नेशन उन्होंने साइन नहीं किया। उन्होंने नहीं भैया ऑब्वियसली इंडिया तो करेगा नहीं क्योंकि हमें बनाने हैं, आपके पास ऑलरेडी है तो कोई भी लॉजिक सूट नहीं होगा, आपके पास है मेरे पास नहीं है तो मैं तो बनाऊंगा, तो इसलिए इंडिया ने नहीं किया। इंडिया ने नहीं किया तो पाकिस्तान ने नहीं किया, साथ में इसराइल एक इंटेलिजेंट है उसने बोला हम क्यों करेंगे, हमारे तो चारों ओर पूरे दुश्मन लोग हैं हम क्यों करेंगे भाई, तो इसलिए ये सिचुएशन है। तो एनपीटी की है, और एनएसजी में जो भी अमेरिका से इंडिया को पहले अपने डिपॉजिट देखने चाहिए कि कोई और देखें, और दूसरा 2070 की डेट दे दी है, बहुत ही अच्छी बात है, तो तब तक मेरे ख्याल से नेट जीरो हो जाना चाहिए। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, सो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।